हिमाचल प्रदेश के शिमला व किन्नौर जिला क्षेत्र में बनी देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से नदी में पानी की रिकॉर्ड कमी के कारण बिजली तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पिछले 16-17 वर्षों में पहली बार सतलुज नदी में पानी की कमी से बिजली लक्ष्य से काफी कम उत्पादन हो रहा है। परियोजना से गर्मियों के दिनों में 39 मिलियन यूनिट रोजाना बिजली तैयार होती है, लेकिन वर्तमान में इस विद्युत परियोजना से 6 मिलियन यूनिट से भी कम बिजली रोजाना तैयार हो रही है। वैसे नाथपा झाकड़ी से बिजली तैयार होकर उत्तरी ग्रिड के 9 राज्यों को भेजी जाती है। बिजली की कमी के कारण उत्तरी ग्रिड के राज्यों को भी मांग अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे मुझे खुशी है कि आज पावर हाउस के अंदर में आके इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सूखा की बहुत बड़ी मार पड़ रही है। ये ड्राइनेस के कारण हमारा डिस्चार्ज वन ऑफ द लोएस्ट चल रहा है। पिछले 15 साल की बात करें आप, ये ठीक 2006-07 वाला माहौल है। और ओवरऑल हिमाचल में भी इस बार आप देखेंगे बर्फ भी काफ़ी कम पड़ रही है, बारिश भी काफ़ी कम हो रही है। इसके बावजूद भी हमारी मशीनें बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं और हम एक एक बूंद पानी का उपयोग कर रहे हैं। लास्ट ईयर से तुलना करेंगे सिर्फ अगस्त में हम काफ़ी अच्छा रहे, बाकी हर महीने पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक हर महीने लास्ट ईयर से भी कम है और काफ़ी कम है। डिस्चार्ज क्या है और गर्मियों में क्या है? डिस्चार्ज अभी हमारा लगभग 70 क्यूमेक्स है, वो हमारे एक मशीन का लगभग पानी है। ऑलमोस्ट हम एक मशीन की बात करें तो 6 मिलियन यूनिट होता है, वो लगभग हम जनरेट कर रहे हैं। और गर्मियों में जून जुलाई अगस्त में हमारा जो डिस्चार्ज रिवर में नॉर्मली ये 405 जो हमारी रिक्वायरमेंट है इससे काफ़ी ज़्यादा रहता है, 700-800-1200 तक भी जाता है। और उसी में आपको सील्ड भी आता है, वो महीनों में हमें बंद भी होती है और हमारा जनरेशन मैक्सिमम उसी समय हो पाता है।